इंडिया में इस बार मुक्ति है, वो इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाईजान मैंने बोला, मैंने यही बताया वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई, आप सारे गुस्सा हो गए यार। प्याज बाला 1200 रुपए दीजिए, प्याज बाला 1200, आलू 250 रुपए दीजिए। आप मुझे पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ, मैं इंडिया कश्मीर से हूँ। 200 रुपया किलो टमाटर भाई। जिंदगी कैसी चल रही है अभी? जिंदगी थोड़ी सी अच्छी भी है। अच्छा, थोड़ी सी बुरी भी है। ये भी अफगानिस्तान। मैं हूँ जनाब अभी गुजरांवाला पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान की 5वीं लार्जेस्ट सिटी है। गुजरांवाला ये पाकिस्तान के पंजाब में आता है। तो अभी पंजाब में ये मैं एक फ्रूट मार्केट में हूँ। एक्चुअल में आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 साल से क्राइसिस चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, अभी तक भी गवर्नमेंट नहीं बनी है, कोई भी रिजल्ट नहीं है चल रहे। मैं एक फ्रूट मार्केट वेजिटेबल मार्केट में आया हूँ और यहाँ पे फ्रूट मार्केट के प्राइस, यहाँ पे फ्रूट्स के प्राइस, यहाँ पे वेजिटेबल्स के प्राइस क्या चल रहे हैं सभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वीडियो में। बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। फ्रूट मंडी के बाहर आप इन लोगों को देख सकते हो, ये सारे बेचारे मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं और फ्रूट्स को बाहर जिसको ले जाना होता है तो वो सब लोग ये करते हैं। ये फ्रूट्स को कहाँ लेके जाते हैं? मंडी से लेके आते हैं बाहर, अड्डों पे लेके जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये टोकरी उठा के ये लाई है, ये बाहर अड्डे पे मीन स्टॉक करते हैं फिर बाहर से बेचते हैं। अभी मंडी के अंदर एंट्री करते हैं। अरे भाई साहब, ये हो गई है मेरी फ्रूट मंडी में एंट्री। तो अभी लोगों से बातें भी करेंगे और फ्रूट्स के और वेजिटेबल के प्राइस भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या नाम है इस फ्रूट का? बेर, बेर। बेर, बेर। ये कैसे है किलो? श्री भाई तो सुनिए, बेला नहीं आया भैया, ले यार क्या है, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। ओके, ये वीडियो चल रही है भाई, 100 रुपए 150 रुपए किलो है। सॉरी भाई, अभी ये सारा का सारा बैर का है भाई। अभी आप रश देख सकते हैं, कितना ज्यादा रश है। भैया ये आपके कैसे किलो देते हैं आप? भाई दर्जन देते हैं, 80 रुपये दर्जन। 80 रुपये दर्जन, 12 पीस 80 रुपये के। यार ये तो बहुत सस्ते हैं, यहाँ पे माल्टा है नहीं? ये भाई 80 रुपये के 12 मिलते हैं, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे ऐसा ही है? बढ़िया बढ़िया। लाल माल्टा जी, लाल माल्टा है, रेड ब्रांड। अच्छा अच्छा, ये है जी, ये लाल माल्टा है। हाँ, ये कैसे देते हैं आप किलो? किलो नहीं, एक पल्ली है जी, 1000 का है, 80 पीस। इसमें 80 पीस है इसमें, तो ये 1000 की है। अरे भाई साहब, ये जो पूरा इन्होंने बना के रखा हुआ है इसमें बोल रहे हैं 1000 की, 80 पीस होते हैं इसमें। ठीक है जी, ओके हो गया जी। पाकिस्तान में ना जब बात हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसमें बोलते हैं ओके हो गया जी, सही हो गया जी। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये, सही हो गया जी। क्या हाल चाल है बहन? ये कैसे है ये भाई? ये 500 लगेगा, ये 500 का पूरा।
500 ओके ओके हो गया जी, बढ़िया भाई, थोड़ा इधर करो। हाँ तो माल्टे तो क्राइसिस में भी सस्ते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है मेरे हिसाब से तो सस्ते हैं। आपके आपके हिसाब से क्या है ज़रूर बताइएगा। ये कैसे है किलो? ये पेटी 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 कैसे है? ये 800 की, 800 की किलो पेटी सारी, पूरी पेटी। ओके हो गया जी, सही हो गया। ये है भाई साहब 800 की किलो पेटी। काम कैसा चल रहा है? गुजारा, ये मठा ही गुजारा, ज़्यादा अच्छा नहीं है? चलो अच्छा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज़ के आपको सेब दिख रहे हैं यहाँ पे। और पापा जी अस्सलाम वालेकुम, इनका सबका रेट भी अलग अलग से है? हाँ जी भाई। आपके पास वो जो सामने है उसका रेट क्या है? 800 का 5, 800 के 5। ये किलो कितना? किलो 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 के हिसाब से नहीं देते क्या? 160 रुपये के जी, 160 रुपये किलो। ये रेड वाला ये खराब है, ये तो महंगा होगा, ये तो ज़बरदस्त दिख रहा है। ये भी गोल्डन एप्पल है जी। ये कितने का है? 200 रुपये किलो। ये उससे भी बढ़िया है। ये कितने का है? ये 200 रुपये किलो। अच्छा ये सारे 200 रुपये किलो और ये सारे गोल्डन एप्पल है जी। ओके हो गया जी। और वो जो सामने है वो बोला काला कुल्लू, काला कुल्लू, काला कुल्लू, ये कितने पे, कितने का है? 300 रुपये। ओके तो ये भाई साहब 300 का है जी। चलो शुक्रिया पाजी। गफार मुसाफिर, मुसाफिर मुसाफिर, हाँ। अच्छा वो जो पैक माल्टे थे उनका रेट मैंने आपको बताया। ये खुले माल्टे हैं और ये पूरी पेटी देते हैं इसमें। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये माल्टे कैसे हैं आप? केजी के किलो के हिसाब से देते हैं? पेटी के हिसाब से। तो पेटी कैसे देते हो? ये 1000, 1050, 1100 ये रेट चलता है कम। ये रेट चल रहा है। तो ये जो लोग आके बेचते हैं वो किलो के हिसाब से बेचते हैं? वो दर्जन के हिसाब से। दर्जन के हिसाब से। दर्जन कैसे है? 300 रुपया, 350 रुपये के दर्जन के हिसाब से। अच्छा लेकिन ये क्वालिटी आपके पास अच्छी क्वालिटी है ना? अच्छी क्वालिटी वाले हैं। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। भाजी इधर ना किए खरबूजा है, कितने का किलो है? 200 रुपया किलो। चलो ओके हो गया जी। रेट काट है जेड़ा अच्छे वाला ना, अच्छे वाला वो वाला 200 रुपए। इसका कितना है? इसका 150। इसका 150 है, नहीं बिकने वाला हाले। ओके हरा बहुत हरा। अच्छा ये नहीं बिकने वाला, जो थोड़ा सा पीला हो जाता है वो बिकता है ना? बिक जाता है। ओके तो इन सब के अलग अलग रेट होंगे? अलग अलग रेट। इसका कितना है? ये 800 रुपए तली दिए। ओके 750 रुपए तली दिए। ओके 700। ओके सर थैंक यू। पेटी किने दी है? पेटी 2000 रुपए दी पेटी ले आंदी है, 2000 दी। खरबूजा किने? 10 किलो, 11 किलो, किसे 11.5-12 जिंदे जो 3-4 किलो हरा भी निकलता, 2 किलो देखो। ओके हां जी हरा भी निकल जाता है, हरा भी 3-4। तो हरा को आप वो आरती वापस नहीं लेता? वापस नहीं लेता, वापस नहीं लेता। जो हरा निकलता है फिर उसको क्या करते हो आप? उसको अखबार में रख के ना दूसरे तीसरे दिन फिर बेच देते हैं घट बात रेट करके। ओके चलो ऑल द बेस्ट। तो वो था जी छोटे वाला खरबूजा और ये है पपीता। पपीता है पाजी? जी जी। हाँ जी। इसका क्या रेट है पपीता यहाँ पे? 250-200। ये है 250 जनाब और ये है 200। टॉप क्वालिटी में 250 मिलते हैं? हाँ जी 200। ये वाला है भाई 200। आप भी अपनी कंट्री में बताते रहिए, अपने शहर में बताते रहिए कि आपकी कंट्री में फ्रूट्स के रेट क्या चल रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। माल्टा मेरे हिसाब से कुछ हद तक सस्ता है माल्टा इस मंडी में, ये बहुत ज़्यादा दिखे मुझे। चलो अभी बनाना को ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाजी, ठीक हैं आप? आपके सेब का रेट क्या है? 200 रुपये किलो। वो वाला 150 रुपये किलो। चलो शुक्रिया जी, ओके हो गया जी। माल्टा इस मंडी में ये बहुत ज़्यादा दिखे मुझे। चलो अभी बनाना को ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाजी, ठीक हैं आप? आपके सेब का रेट क्या है? 200 रुपये किलो। वो वाला 150 रुपये किलो। चलो शुक्रिया जी, ओके हो गया जी। फिर उसके बाद है ये हमें बनाना भी मिल गया है। बनाना तो अच्छी क्वालिटी के नहीं है लेकिन फिर भी भाई से पूछ लेते हैं। 150 रुपये। टॉप क्वालिटी का कितने का होगा वो? 200 रुपया दर्जन। बढ़िया बढ़िया। ओके अब दर्जन के हिसाब से बेचते हो किलो के हिसाब से बेचते हो?
ओके। मैं जब छोटा था तब हम दर्जन के हिसाब से लेते थे, लेकिन अभी मेरे हिसाब से किलो के हिसाब से मिलते हैं इंडिया में भी। इंडिया में मिलते हैं ना? मैं यहाँ यार, मैं इंडिया से हूँ। अच्छा अच्छा, इंडिया में, इंडिया में मिलते हैं। आके कुल दिए हैं लोगों की। पाकिस्तान तो इंडिया की नहीं, आलू भी लेना यार। पाकिस्तान की चीज है, इंडिया ने लगी तो लगे, पाकिस्तान नहीं है। मैं वो तो नहीं कह रहा हूँ आपको कुछ। आप कह रहे हैं इंडिया में इस बात होती है, वो इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाईजान मैंने बोला कि वहाँ पे किलो के हिसाब से देते हैं, यहाँ पे दर्जन के हिसाब से देते हैं। जब भी करो अपने मुल्क की बात करो, हम इस मुल्क के पसीने हैं, बाहर की बात। हम पाकिस्तान इसीलिए कामयाब नहीं है, बाहर की बात करते अपनी बात करते थे। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ भाजी, मैं कश्मीर से हूँ, इंडिया कश्मीर से। जब मौजूद है वहाँ की बात करो। हाँ तो यहाँ का ही बता रहा हूँ भाई जान। मैंने यही बताया, वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई, आप सारे गुस्सा हो गए यार। चलो सॉरी, मेरे से कोई गलती हुई है तो। अस्सलाम वालेकुम, बढ़िया। तो ये है भाई हमारे पास अनार, 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो, चलो सही हो गया जी। 400 रुपये का किलो है ये अनार, सारी क्वालिटी का 400 रुपये किलो है। हाँ जी। और ये 500 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी, 500 रुपये किलो। ये है भाई साहब स्ट्रॉबेरी 500 रुपये किलो। बाकी सेब का रेट है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद एक चीज़ मैंने और देखी वहाँ पे, वो लास्ट पे है कीवी। कीवी, कीवी कैसे है? कीवी 800 रुपये का एक डिब्बा। 800 रुपये का एक डब्बा, एक डब्बा। ओके अच्छा, ये है जी अंगूर, ऐसी टॉप क्वालिटी का तो मुझे नहीं लग रहा है। तो दे रहे हो फिर भी जाएगा। ये तो ठीक है। ये कैसे दे रही है? ये कैसे है ये भाई? 800 रुपये किलो। ये 750, ये 750, ये 800। ये भाई साहब 750। ओके हो गया जी, थैंक यू सर। और ये रहा 800। ओके कैसे है भाई? नारियल पीस के हिसाब से देते ना? हाँ जी। कैसे एक पीस देते? 300 रुपये का एक, 400। एक 300 का, एक 400 का। 300 वाला क्या छोटा होता है? 300 छोटा, 400 वाला फुल बड़ा। अच्छा, ये भाई छोटे वाला 300 का और बड़े वाला 400 का। ओके सर, ओके हो गया जी, थैंक यू। ये अनार मैं देख सकता हूँ? देख सकता हूँ? ये अनार की क्वालिटी है जो पहली बार देख ली। ये टॉप क्वालिटी। क्या नाम है इसका? इसका बदाना अनार, बी से बगैर होता है। बदाना अनार इसको बोलते हैं। बी से बगैर होता है, बीज के बगैर होता है ये। हाँ। इसको सुखाया जाता है? कुदरती सूख जाता है। कुदरती ही सूख जाता है। तो क्या रेट है इसका? इसका 4500 रुपये पेटी का। 4500 रुपये ये पूरी पेटी। इसमें कितने पीस होते हैं? इसे पीस नहीं होते, इसका वजन होता है 7-8 किलो, 7.5 किलो। ओके सर, थैंक यू। मैं आया हूँ इंडिया से, इंडिया कश्मीर से। कश्मीर से? हाँ। बैठो 10 मिनट। हाँ चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो ये फ्रूट्स हैं जो ये यहाँ के नहीं है? ये कहाँ से आता है सर? आपने अफगानिस्तान से बताया ना? अफगानिस्तान से पिशावर में आता है और फिर पिशावर से यहाँ पे आता है। ओके, ये सारे फ्रूट्स मैक्सिमम? ओके थैंक यू सर, चलो थैंक यू। अच्छा ये भी बढ़िया है जी, ये भी अफगानिस्तान से? हाँ जी, ये भी उधर गई है। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। इसके ऊपर VIP लिखा हुआ है। तो ये है भाई इस साइड केले की मंडी सारी, आप देखेंगे पूरे के पूरे केले यहाँ पे ले जाए जा रहे हैं। ये देखिए भाई काटने की स्कीम, बढ़िया है, बढ़िया है। इसको काट के अभी ये कहाँ ले जा रहे हैं? बेचना जाके। अच्छा ये आप अपने लिए ले रहे हो? नहीं अपने लिए, यही बाहर सेट के मजदूरी कर रहे हैं, केला ले सकते हैं। हां नहीं बाहर केला खाने। अच्छा हाय, ये क्या है? सुहाग। अच्छा सुहाग है ये? एक एक पीस देते हो? एक पीस कितने का?
20 का। अच्छा ये भाई मसवाक है, जैसे टूथब्रश की जगह जो यूज करते हैं ना। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। बनी का सर्वे करने आए आप? हाँ देखने आए हो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान तो यही है बस, महंगाई है, थोड़ा सा अच्छा काम हो जाए। अच्छा जिंदगी कैसी चल रही है अभी? जिंदगी थोड़ी सी अच्छी भी है। अच्छा थोड़ी सी बुरी भी है, बुरी इसलिए महंगाई है। अच्छा अच्छी इसलिए हम खुश रहते हैं। हाँ खुश रहना अच्छी बात है, खुश रहे ठीक है, बढ़िया है, खुश रहना अच्छी बात है। आपकी लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया, आप जबरदस्त है। आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। चलो खुश रहिए, बढ़िया बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। साल में भी रखे अल्लाह पाक खुश करे। आमीन आमीन आमीन। ए सब्जी केड़े पासे आ गई? इस तरफ। इस पासे? जी जी ये सारी मार्केट सब्जी। ओके भाई साहब मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ, ये मत सोचिए कि मुझे पंजाबी नहीं आती है, फ्लुएंटली पंजाबी में भी बात कर सकता हूँ। फ्रूट्स के रेट मैंने बताया आपको, लोगों से कुछ कुछ बातें भी करी, और हर बंदा जिससे भी मैंने बात करी महंगाई को लेके वो बात कर रहे थे, महंगाई से बहुत तंग है यहाँ के लोग। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ वेजिटेबल मार्केट में। अभी वेजिटेबल मार्केट के क्या प्राइसेस चल रहे हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जब वो मुझे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से था, मैं कहाँ से हूँ, और मैं जब अपनी कंट्री के लिए बताता तो वो लोग कहते थे यार आपकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने तो आपके देश को बहुत आगे ले गए, तो वो महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है यहाँ पे लोग। तो चलिए अब सब्ज़ी का रेट पता करते हैं क्या चल रहा है। अच्छा तो सबसे पहले मेरे मटर जो हमेशा के लिए फेवरेट रहते हैं। हाँ पानी की क्या हाल चाल है? अब मेरे को मेरी कंट्री पूछ रहे थे, मैंने अभी अपनी कंट्री नहीं बताई है। कितने का किलो है? 600 का भाई। 600 का किलो? 100 का एक किलो। 100 ओके बढ़िया है। गाजर कैसे है? 250 रुपए किलो। 100 का 100 किलो। ओके ये तो 250 का बता रहे हैं। 50 का किलो है ना। अच्छा फिर उसके बाद ये है जी पाकिस्तानी टमाटर, 100 रुपए किलो। कितने का है? 200 का। 200 का 200 रुपया किलो टमाटर भाई। 600 रुपया किलो जिंजर। उसके बाद ये है मिर्ची, ग्रीन मिर्ची, ये भी आप ही के हैं? ये कैसे है किलो? 200 रुपया ग्रीन चिल्ली, 200 रुपया किलो। और ये थूम कैसे है? लहसुन? ये लहसुन 800। 800 लहसुन है भाजी, 800 रुपया किलो। और ये है हमारे पास आलू। आलू का ओनर कौन है? आलू कितने के भाई साहब? 50 रुपए। आलू है 50 रुपए किलो। प्याज तो बढ़िया ज़बरदस्त है यार, मोटा मोटा प्याज है। कितने था भाजी? 200 रुपए किलो। 200 रुपया किलो प्याज। अदरक दा हो गया, ये भी हो गया। शिमला मिर्च कैसे है? 300 किलो। और ए की है धनिया? ए पुदीना है। पुदीना, अच्छा पुदीना है। ये कितने का है? 10 रुपए का। 10 रुपए का। उसके बाद नींबू है आपके पास, वो कैसे है? 100 रुपए किलो। नींबू 100 रुपए। धनिया? ये 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। और ये जो बंद गोभी पड़ी हुई है? 80 रुपए किलो। ओके हो गया जी। क्या जिंदगी कैसी चल रही है? शुक्र अच्छी चल रही है। अच्छी बहुत। ओके ओके बहुत बढ़िया है। कैसे हो भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। कैसे है ये शलजम? 80 रुपए के किलो। 80 रुपए के किलो। ओके बढ़िया है। 200 की 40 रुपए पड़ेंगे। ओके बढ़िया है जी। वो गोभी भी आपकी है पीछे, वो वाली, वो कैसे है किलो? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो है गोभी भाई। आप मुझे पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ, मैं इंडिया कश्मीर से हूँ। इंडिया कश्मीर से? हाँ। चैनल के नाम? गफार मुसाफिर मेरे चैनल का नाम है। गफार मुसाफिर? हाँ। यूट्यूब पर? हाँ यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। ठीक है आप वहाँ पे जाएंगे तो आपकी वीडियो मिलेगी आपको। ओके हो गया।
गफार मुसाफिर मुसाफिर हैगा, दो दिन पहले आया मैं इतने, मेरे बड़े अबू तक आ रहे इतने। आओ इंडिया का इंडिया के हालात बड़े सस्ते ने, इन्ने महंगे नहीं आ गए, उधर सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। भाई साहब वो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे वापिस अपने घर जाना है। मैं किसी भी गवर्नमेंट मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा भाई, मुझे वापिस घर में भी जाना है। मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ से ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो किलो लाइफ कैसी चल रही है? ओके गुड। बड़े बैंगन बहुत बड़े हैं यहाँ पे भाई साहब, कैसे हैं ये किलो? किलो 80 रुपए किलो है। ओके बढ़िया है। बड़ी मार्केट है भाई, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, और दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको इस मार्केट से नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ से। ये क्या है भैया? ये मुंगरी है। मुंगरी है जी, मुंगरी। ये क्या, इसकी सब्जी बनती है? जी, ओके। कितने की किलो है? 250 किलो। ओके गोभी कैसे है वो? 140 रुपये। और ये? ये 200 का मुठा। 200 का मुठा, चलो शुक्रिया। ओके ये है भाई चकंदर, जो कि जूस में डालते हैं। ये भी आप केजी के हिसाब से देते हो, किलो के हिसाब से? 5 किलो के हिसाब से भी देते हैं और किलो के हिसाब से भी देते हैं। किलो कैसे देते हो? 200। ये है भाई साहब 200 रुपये किलो, शुक्रिया भैया। ये सर कचालू है ना? शकरकंद है। ये कैसे बेचते हैं आप किलो? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। तकरीबन सारी सब्जी मैंने एक्सप्लोर कर रही थी, करेला भी बच गया है और एक वो सामने भिंडी भी बच गई है। तो कैसे भाई जनाब? ये 500 रुपये किलो है भाई करेला, और पीछे आपके वो भिंडी भी पड़ी हुई है, ये कैसे है? 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। ये साथ में क्या है ये वाला? ये देसी चना है। देसी चना हाथ में पकड़ के दिखाएं जरा आप। ये कैसे है किलो? ये 200 रुपये किलो। ये सामने क्या है? खीरा बादरा। खीरा कैसे है? ये 70 रुपये किलो। ओके सर 350 रुपये। ये भाई साहब ने मुझे लेके जा रहे, कोई बाबा जी बुला रहे हैं मुझे यहाँ पे मार्केट में, कहीं देखा इंटरव्यू करते हुए। 100 रुपये। सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा था, स्लिप हो गई थी बात। कैसे हैं आप? मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं अभी नाश्ता वगैरह करके आया हूँ। बेटा जी बात ये है जी, कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो भी तकरीबन दो तीन महीने से जला हुआ है। अच्छा, ये 1.5 साल से जला हुआ है। ओके ट्रांसफार्मर, कोई अब कारोबारी, ये कारोबारी ज़्यादा है। अच्छा, ये कारोबारी ज़्यादा है, ये इधर बिजली का निज़ाम जो है वो बहुत गलत है। सही नहीं है? सही नहीं, बहुत आवाम दलील हो रही है, आवाम बहुत दलील हो रही है, नहीं मेरी बात। अच्छा, इसका कोई हम निगरान वजीर अला से, आप से, मीडिया वालों से पुरजोर अपील करते हैं कि ये बिजली का निज़ाम दुरुस्त करें। चलिए हम भी यही कह सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके तो गवर्नमेंट सेटल हो जाए और पाकिस्तान के हालात एक बार फिर से, मैं एक्चुअली यहाँ से नहीं हूँ फिर भी ये वीडियो पाकिस्तान के लोग ज़रूर देखेंगे। मैं इंडिया कश्मीर से आया हूँ, तो मेरे बड़े पापा का घर है यहाँ पे, घूमने आया हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे देख रहा हूँ क्राइसिस में क्या हालात चल रहे हैं, क्या महंगाई तो बहुत ज़्यादा महंगाई, तो ये एक आलमी बात है, ये सब्जी है,
ये कुदरती एक बात है कि एक चीज कम होती है तो वो तेज होती है, जो ज्यादा होती है वो डाउन होती है। बिल्कुल, ये महंगाई की चीज उमस की बस की बात नहीं, ये खुदा के बस की बात है कि क्योंकि ये खुदाई चीज है, पैदावार है, ज्यादा पैदावार होगी ज्यादा मार्केट में माल आएगा सस्ता होगा, कम पैदावार होगी कम आएगा महंगा होगा, ये किसी के पास की बात नहीं। चलो ठीक है, बाकी जो इन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये पहुंचनी चाहिए। ये है गुजरांवाला सब्जी मंडी और जितना जल्दी हो सके आपका सलूशन है जो हो जाए। डेढ़ डेढ़ साल से दो दो साल से एक एक ट्रांसफार्मर है जो बंद पड़ा है, ये कारोबार जा रहा है, लाखों रुपया टैक्स जाता है, लाखों रुपये अरबों रुपये का कारोबार होता है, जो नहीं यहाँ से लाखों रुपया टैक्स जाता है। चलो, अरे भाई साहब ये प्याज कितना ज़बरदस्त है यार। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त है भाजी ने। ये कहाँ से है, कहाँ का है ये? ताजिकिस्तान से। तजाकिस्तान से? हाँ, तजाकिस्तान का प्याज है भाई। हाँ, तो कैसे किलो देते हैं ये? ये देते हैं 120 रुपए किलो। 120 रुपए, और ये वाला प्याज तो ये पाकिस्तान का ही है ना? ये पाकिस्तान का है। ये कैसे किलो? ये 200 रुपए किलो। अपने वाला महंगा है? अपने वाला महंगा है, राजस्थान। हाँ, थोड़ा रेट चेक कर रहा हूँ, क्या चल रहा है रेट अभी? आपने बनानी है? लो, चेक करना है जरा, अपनी तरफ करो ना, वो तो अपनी तरफ कुछ बोला बीच में, मेहरबानी भाई ना। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान बोला, मैं प्याज बेचता हूँ जी, मैं प्याज और आलू बेचता हूँ, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। आप 550 रुपए दड़ी प्याज, ये देखो, ये 550, ये 1000, ये 1200, ये 1200, ये 1300, ये आलू 50 रुपए किलो, ये 45 रुपए किलो। आप अपनी तरफ करके बोलो, सारे आओ मिलते जा, आके मेरे से खरीदो। लो भाई, खुश हो? खुश तो आपको होना चाहिए, आपकी प्रमोशन हो रही है। ये भाई साहब ने मेला लूट लिया जी, मेला लूट लिया, बहुत ज्यादा लगता है। अभी प्रमोशन अपनी खुद कर रहे थे, आके ले लो मेरे से। जरूर, आपका नाम क्या बताया आपने? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान के पास जरूर आए और इनका सारा सामान है जो खरीदे मेहरबानी मेहरबानी। की मकसद है? दिली खुशी नाल। दिल की खुशी के साथ बदना लेना दे प्यार ले, और कोई बाजार वास्ते नहीं बजाया, ढोल बजाते हैं और लोग अपनी खुशी से इनको पैसे देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए ओके बढ़िया। ये हमारे दोस्त है, भरा है, मोहब्बत है, इनके साथ का दिल खुश करते हैं और खुशी में नहीं, और ये वो इनका दिल खुश करते हैं। सही हो गया जी, मुझे लग रहा था कि ये लोग जो वेंडर्स होते हैं उनको पास बुलवाते हैं, ढोल बजवाते हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और फिर वो सेलिंग करते हैं, पर ऐसा फिर वो अपनी सब्जी वगैरह बेचते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने मजे करने के लिए अपने तरीके से बस, जो खुश होता है तो थोड़े बहुत पैसे दे देता है और बीच में आके वो बजाते हैं। आपका क्या है यहाँ पे, आप क्या बेच रहे हो? मैं कुछ भी नहीं बेचता, मैं जूती लेना है। अभी आप कह रहे थे बेचने हैं, वो गाहक नहीं आ रहा है कोई। बंदा टोड़ के ऐसे छाड़े के ना सड़क बनने लगी है। भाई जी। तो भाई साहब हो के आ गया हूँ मैं सब्जी मंडी से, फ्रूट मंडी से। आपको मैंने सब्जियों के रेट बताए, फ्रूट्स के रेट बताए, मैंने सब कुछ आपको बताया।
आपके देश में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में क्राइसिस के टाइम पे सब्जियों का रेट क्या चल रहा है, तो वो मैंने सब आप लोगों को बताया। आप लोग भी अपने कंट्री का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट मैसेज, अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं, उनको दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।